हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो फर्स्ट ईयर क्लास है, इंटर फर्स्ट ईयर, उसके इंग्लिश प्रोज़ का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। फर्स्ट चैप्टर का नेम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई मेरा स्ट्रगल, संघर्ष फॉर के लिए, एन एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इसके जो राइटर हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए। राइटर का नेम है ब्रूकर टी वाशिंगटन। ब्रूकर टी वाशिंगटन अमेरिकन निग्रो थे। जैसा कि आपको याद होगा कि आपने 10th क्लास में एक निग्रो पढ़ा था, जेसी ओवेंस वाला माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, तो उसी तरह ये निग्रो थे, जैसे अश्वेत जो होता है। तो आपको चैप्टर का नेम और राइटर आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए अब हम लोग सीधे जो है चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर क्या कह रहा है। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोयल माइन आई हैपन टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। वन डे, एक दिन वाइल दौरान वर्क कार्य में, कोयल माइन यानी कोयले की खान में, एक दिन कोयले की खान में कार्य करने के दौरान आई में हैपेंड घटित हुआ, ओवर हियर यानी जब हम दूसरे की बात सुनते हैं, टू माइनर्स दो कोयले की खान में काम करने वाले, टॉकिंग बात कर रहे हैं अबाउट बारे में, ग्रेट बड़े स्कूल विद्यालय फॉर के लिए, कलर्ड पीपल अश्वेत लोग, समवेयर कहीं इनमें वर्जीनिया जगह का नाम है। तो एक दिन कोयले की खान में कार्य करने के दौरान मैंने दो कोयले की खान में काम करने वालों को वर्जीनिया में कहीं अश्वेत लोगों के लिए एक बड़े स्कूल के बारे में बातें करते हुए सुना। यानी जब मैं खान में काम कर रहा था राइटर, तो दो खान में काम करने वाले, वर्जीनिया में कोई स्कूल था अश्वेत लोगों के लिए, उसके बारे में बात कर रहे थे, तब इन्होंने सुना उनकी बातें। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज मोर प्रिटेंसस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। दिस ईयर वॉज था फर्स्ट, पहला टाइम अवसर कह सकते हो आप यहाँ पे, या पहला अवसर था दैट की आई में हैड सैक्रिया एवर कभी हर्ड सुना एनीथिंग कुछ अबाउट बारे में एनी काइंड ऑफ स्कूल किसी प्रकार के स्कूल और या कॉलेज दैट जो वॉज था मोर अधिक प्रिटेंसस शानदार देन अपेक्षा लिटिल छोटा कलर्ड अश्वेत स्कूल इन में आवर हमारे टाउन कस्बा। यह प्रथम अवसर था जब मैंने मेरे कस्बे में जो अश्वेत लोगों का छोटा स्कूल था उसकी अपेक्षा किसी अन्य शानदार स्कूल या विद्यालय के बारे में कुछ सुना था। यानी मैंने इससे पहले कभी जो मेरे कस्बे में जो स्कूल था अश्वेत लोगों के लिए छोटा सा स्कूल, उसके अलावा मैंने किसी स्कूल के बारे में नहीं सुना था। ये पहली बार था जब मैंने उससे भी बड़े स्कूल के बारे में सुना था। ये पहला पैराग्राफ ख़त्म हुआ, अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए और नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल इट सीम टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। एज जैसे दे वे वेंट ऑन, जारी रहे, फ्रेजल वर्ब है, डिस्क्राइबिंग वर्णन करना स्कूल, और जैसे जैसे उन्होंने विद्यालय का वर्णन करना जारी रखा, इट या सेम प्रतीत हुआ मी मुझे दैट की इट या मस्ट अवश्य भी होना ग्रेटेस्ट सबसे महान प्लेस स्थान ऑन पर अर्थ पृथ्वी। जैसे जैसे उन्होंने विद्यालय के बारे में वर्णन करना जारी रखा मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह पृथ्वी पर सबसे महान स्थान होना चाहिए। नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग। ये हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इस नेम को आप याद रखिएगा, ये इंस्टीट्यूट का नेम है। तो सेंटेंस देखते हैं। नॉट, ना इवन, यहाँ तक कि हैवन प्रेजेंटेड, प्रस्तुत, हेवन स्वर्ग, प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया मोर अधिक अट्रैक्शन आकर्षण फॉर के लिए मी मुझे एट दैट टाइम उस समय देन अपेक्षा डिड सैक्रिया ये स्कूल का नेम इन में वर्जीनिया अबाउट बारे में विद जो दीज मैन ये आदमी वर्थ है टॉकिंग बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको मैं बताऊं कि स्वर्ग भी मेरे सामने इतना अधिक आकर्षण प्रस्तुत नहीं कर सका जितना हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट वर्जीनिया में, जिसके बारे में ये आदमी लोग बात कर रहे थे। यानी वे आदमी जिस इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे उसका आकर्षण मेरे मन में इतना ज़्यादा आया कि वो समझ लीजिए कि स्वर्ग का भी उतना आकर्षण मेरे मन में नहीं था। आई रिजोल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेर इट वॉज और हाउ मैनी माइल्स अवे और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट।
आई में रिजॉल्व, दृढ़ निश्चय किया, एडवांस तुरंत गो जाना दैट स्कूल, मैंने वहाँ जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया, तुरंत दृढ़ निश्चय कर लिया। ऑल दो यद्यपि आई में हेड साइड किया, नो आइडिया विचार वेयर, जहाँ एटिया वॉज था, वेयर कहाँ एटिया वॉज था, और या हाउ मैनी कितना माइल अवे दूर, माइल दूरी नापने की इकाई है अवे दूर, और या हाउ कैसे आई में गोइंग जा रहा, रीच पहुँचना एटिया। और मैंने तुरंत उस विद्यालय जाने का निर्णय कर लिया, यद्यपि मुझे ये नहीं मालूम था कि वो विद्यालय कहाँ है, कहाँ था वो, या कितनी दूर था, या मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगा। इन सब बारे में मेरे मन में कोई विचार नहीं था, फिर भी मैंने वहाँ जाने का निर्णय कर लिया। आई वॉज ऑन फायर कंस्टेंटली विद वन एम्बिशन एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन। आई मैं वॉज था ऑन फायर, ऑन फायर मतलब अग्नि पर, अग्नि नहीं है यहाँ पे, कि मेरे मन में एक इच्छा लगातार जल रही थी, ये कहने का मतलब, कंस्टेंटली लगातार विद साथ में वन एक एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, मेरे मन में एक महत्वाकांक्षा लगातार जल रही थी, प्रज्वलित थी जिसे कहते हैं, एंड और दैट या वॉज थी गो जाना हैम्पटन, और वो महत्वाकांक्षा थी हैम्पटन जाने की। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, दिस या थॉट विचार वॉज था विद साथ में मी मेरे डे एंड नाइट, रात और दिन, और ये विचार मेरे साथ रात और दिन था, यानी रात और दिन मेरे मन में एक ही महत्वाकांक्षा थी कि मुझे किसी तरह उस स्कूल में जाना है। नेक्स्ट मेरा, इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। इन फॉल, फॉल यानी पतझड़ का मौसम, फॉल माने गिरना होता है, जब पत्ते गिरते हैं तो पतझड़ का मौसम, वही लिखा हुआ है। 1872 के पतझड़ के मौसम में आई मैं डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय किया, मेक करना एन एफर्ट, प्रयास, गेट देयर यानी वहाँ जाने का, मैंने वहाँ जाने का मतलब प्रयास करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase. My mother, मेरी माता was थी troubled, परेशान, with साथ में grave, गंभीर, fear, भय, that की आई मैं was था starting, यानी प्रारंभ कर रहा, on पर एक wild goose chase, ये एक idiom है जिसे हिंदी में मुहावरा कहते हैं, इसका मतलब होता है असंभव कार्य। वैसे शाब्दिक अर्थ आपको बता दूँ, wild माने जंगली, goose माने हंस, और चेज माने पीछा करना, जंगली हंस का पीछा करना वो कोई नहीं कर सकता, इसीलिए इसे हम असंभव कार्य कहते हैं। मेरी माता एक बहुत ही अत्यधिक भयभीत थी, एक परेशानी थे उससे, और वो परेशानी ये थी उनके मन में कि मैं एक असंभव कार्य की शुरुआत करने जा रहा था। एट एनी रेट आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट। एट एनी रेट किसी भी कीमत पर आई मैं गॉड पाया ओनली केवल हाफ हार्टेड यानी अधमना जिसे कहते हैं कंसेंट सहमति फ्रॉम से हर उनसे और किसी भी कीमत पर मैंने उन्हें बहुत मनाया धनाया और बहुत कुछ करने पर जो है मैंने आधे मन की सहमति उनकी प्राप्त की जो है अनमना दैट जो आई मैं माइट सका ये स्टार्ट शुरू जिसके कारण मैं अपनी यात्रा शुरू कर सका। I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. I may had sacriya very बहुत little कम मनी धन विद साथ में विद जो बाय खरीदना क्लॉथ्स कपड़े एंड और पे अदा करना माई मेरा ट्रैवलिंग यात्रा का एक्सपेंसेस खर्चे। मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए तथा अपनी यात्रा के खर्चों को अदा करने के लिए बहुत थोड़ा धन था, मेरे पास बहुत कम धन था। My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. My मेरा brother भाई John help सहायता किया मी मुझे all that सब कुछ ही वह कर सकता था। मेरे भाई John ने जितनी सहायता वो कर सकता था उतनी मेरी सहायता की, but किंतु of course बेशक that वह was था not नहीं great बड़ा ग्रेट डील यानी एक कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा मदद मेरी वास्तव में नहीं थी, लेकिन जितनी वो कर सकता था उतनी की। तो स्टूडेंट्स आज आपने ये तीन पैरा पढ़ लिए हैं और मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा, एक चैप्टर कई दिन में ख़त्म होगा तो ये पार्ट वन है, फिर इसके बाद पार्ट सेकेंड बनाऊंगा। तो आज आपने इतना पढ़ लिया, इसका आप स्टडी कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।